शमशान घाट के बीहर तट पर एक पुराना जीर्णशीर्ण बंगला था जो रहस्य और भय में डूबा हुआ था। स्थानीय लोग इसके प्रतिवादित अतीत की कहानियां फुसफुसाते थे। भयानक भूतों और रात भर गूंजने वाली अस्पष्ट आवाजों की कहानियां सुनाते थे। लेकिन शायद सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी वह थी जिसमें लालच के कारण हुई एक भयानक हत्या की बात कही गई थी। कई साल पहले यह बंगला दो भाइयों कुणाल और जियान का था। उन्हें यह संपत्ति अपने माता पिता से विरासत में मिली थी और वे समुद्र तटीय स्थान की शांति का आनंद लेते हुए वर्षों तक सौहार्द पूर्वक वहां रहे थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया लालच कुणाल के दिल को निगलने लगा। उसने धन और समृद्धि की भव्य योजनाओं की कल्पना करते हुए पूरी संपत्ति अपने लिए चाही एक दुर्भाग्यपूर्ण रात ईर्ष्या और लोभ से ग्रस्त होकर कुणाल ने बंगले पर एकमात्र स्वामित्व का दावा करने के लिए एक भयावह योजना तैयार की। एक मैत्रीपूर्ण सभा की आड़ में उसने जियान को संपत्ति के अपने हिस्से को हस्तांतरित करने के बारे में सामना करने के इरादे से बंगले में आमंत्रित किया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, भाइयों के बीच तनाव तब तक बढ़ गया जब तक कि वे हिंसक विवाद में तब्दील नहीं हो गए। गुस्से में आकर कुणाल ने पास की एक वस्तु एक भारी मूर्ति छीन ली और जियान के सिर पर हमला कर दिया जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अपने कार्यों से हैरान और भयभीत होकर कुणाल ने अपना अपराध छुपाने की उम्मीद में जल्दी से अपने भाई के शरीर को अंधेरे की आड़ में दफना दिया। लेकिन उसी क्षण से बंगला जियान की प्रतिशोधी भावना से ग्रस्त होकर शापित हो गया। अजीब घटनाओं ने संपत्ति को तहस नहस कर दिया जिससे पास जाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के दिल में डर बैठ गया। चांदनी में परछाइयां नृत्य कर रही थी, अलौकिक विलाप रात के सन्नाटे को चीर रहा था और हर कोने में एक ठंडी उपस्थिति बनी हुई थी। बंगले को बेचने या ध्वस्त करने की कोशिशों के बावजूद यह बिना बिका और अछूता रहा जो उस काले काम की एक गंभीर याद दिलाता है जिसने इसकी दीवारों पर दाग लगा दिया था। और जैसे जैसे साल बीतते गए शमशान घाट के पास प्रतिवादित बंगले की किंवदंती बढ़ती गई, जो लालच और विश्वासघात के खतरों की एक सतर्क कहानी थी। आज तक यह बंगला शमशान घाट के तूफानी तटों पर एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसके रहस्य इसकी दीवारों के भीतर गहरे दबे हुए हैं, जो साहसी लोगों द्वारा उजागर किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जियान का भूत अभी भी हॉल में भटक रहा है, उस जघन्य अपराध के लिए न्याय की तलाश में जिसने उसका जीवन और उसकी शांति छीन ली है। शमशान घाट के पास प्रतिवादित बंगले की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक स्थानीय लोगों के लिए जिज्ञासा और भय का विषय बनी रही। भीतर रहने वाली आत्माओं की जांच करने या उन्हें भगाने के कई प्रयासों के बावजूद कोई भी उजाड़ संपत्ति पर मंडरा रहे अभिशाप को हटाने में सफल नहीं हो सका। समय के साथ बंगला एक निषिद्ध स्थान बन गया। इसका ढहता हुआ मुखौटा इसकी दीवारों के भीतर घटी दुखद घटनाओं की याद दिला रहा था। अंधविश्वास बड़े पैमाने पर फैला हुआ था और मैदान में घूम रहे मार्कस की प्रतिशोधी भावना की कहानियों ने सबसे बहादुर आत्माओं को भी दूर रखा। फिर भी चेतावनियों और इसके चारों ओर फैले भयानक माहौल के बावजूद हमेशा ऐसे लोग थे जिन्होंने अंधविश्वासों को खारिज करने और अपने लिए प्रतिवादित बंगले का पता लगाने का साहस किया। कुछ लोग रोमांच और रोमांच की तलाश में थे, जबकि अन्य किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की विद्या जिज्ञासा से प्रेरित थे।
निडर खोजकर्ताओं का ऐसा ही एक समूह दोस्तों की टिकड़ी थी नाथन, मिया और एलेक्स। भूत बंगले की कहानियों से प्रभावित होकर उन्होंने इसके रहस्यों को हमेशा के लिए उजागर करने के लिए एक समझौता किया। फ्लैशलाइट, कैमरे और स्टील की नसों से लैस होकर वे अज्ञात का सामना करने के लिए एक चांदनी रात में निकल पड़े। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, उनके मन में बेचैनी की भावना घर कर गई, लेकिन उन्होंने अपने डर को एक तरफ रख दिया और सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़े। उगे हुए बगीचों से रेंगते हुए और ढहते खंभों को पार करते हुए वे अंततः सामने के दरवाजे तक पहुंचे और उसे एक चरमराहट के साथ खोलने से पहले एक पल के लिए झिझके। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, जो केवल उनकी फ्लैशलाइट की हल्की किरणों से टूट रहा था, जब वे सावधानी से प्रत्येक कमरे की जांच कर रहे थे। हवा अतीत के बोझ से बोझिल थी और वे लगभग उन आत्माओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे जो उनके भीतर मौजूद थी। अचानक बंगले में ठंडी हवा चली, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गई और वे अंधेरे में डूब गए। समूह में घबराहट फैल गई क्योंकि वे अपने फोन ढूंढ रहे थे। वे सुरक्षा के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश के किसी स्रोत की तलाश में थे। अपनी स्क्रीन की मंद चमक में उन्होंने दरवाजे पर उभरती एक छायादार आकृति को देखा, खोखली आंखों और फैली हुई भुजाओं वाली एक वर्णक्रमीय छवि। आतंक में जमे हुए वे उसे करीब आते देख रहे थे। उसकी अलौकिक कराहें खामोश हॉलों में गूंज रही थी। डर की चीख के साथ वे मुड़े और बंगले से भाग गए। बाहरी दुनिया की सुरक्षा में वापस लौटते समय उनके सीने में दिल की धड़कन बढ़ रही थी, और यद्यपि वे उस रात अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन यह भयावह मुठभेड़ आने वाले वर्षों तक उनके सपनों को सताती रहेगी, जो अलौकिक शक्ति और अंधेरे में छिपे रहस्यों की याद दिलाती रहेगी।